घर के मसाले से बनी चटपटी दालमोठ और व्रत में खाई जाने वाली मैं आज आपको बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 4-5 आलू मीडियम साइज़ के और उन्हें छील लेंगे। छीलने से छीलेंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि ये छिक्कल कम उतारती है और महीन छीलती है। तो मैंने छीलने का इस्तेमाल किया है, आपके घर में हूँ आप भी इस्तेमाल कीजिए। और आलू छीलने से पहले पहले एक बड़े से कटोरे में पानी भर कर रख लीजिए जैसे मैंने रखा है, और आलू हम उसी में डाल दिए जाएंगे। सारी आलू हम इसी तरह छील कर पानी में डाल लेंगे और उसके बाद हम इसे कद्दूकस की सहायता से बारीक की तरफ में जो मोटा वाला दाता होता है ना उधर से हम कद्दूकस कर लेंगे और आलू को खड़ा करके कद्दूकस करेंगे। खड़ा चपटा करके मत कीजिए क्योंकि उससे बहुत पतले होंगे आलू के जो लच्छे होते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छे से नहीं पकेंगे, जल जाएंगे। तो इसलिए आप सीधी खड़ी करके इसे कद्दूकस कीजिए और देखिए कितने बढ़िया कद्दूकस हो रहे हैं ये। तो हम सारे आलू इसी तरह कद्दूकस कर लेंगे और अच्छे से, और फिर इसे हम 3-4 पानी से धुल लेंगे। देखिए पानी भी गंदा है, 3-4 पानी से धोने के बाद इस तरह का हो जाएगा। बिल्कुल जब साफ़ पानी हो जाए तब आप इन्हें धुलना बंद कीजिए। देखिए बिल्कुल साफ़ पानी है, आपको मैं अभी पास से भी दिखाऊंगी। देखिए बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं है, बिल्कुल साफ है। इधर हमने एक बड़े से बाउल में गर्म पानी ले लिया है, 3 ग्लास आप गर्म पानी ले लेंगे इतने आलू के लिए वक्त होगा। गर्म ज़्यादा ना हो, हल्का सा गुनगुना ही हो पानी, और सारे लच्छे हम पानी गार के इसका इसी में डाल देंगे केवल 1 मिनट के लिए। ज़्यादा देर हम नहीं रखेंगे, इससे होगा क्या कि आपके जो ये लच्छे हैं ना ये सॉफ़्ट नहीं होंगे और बढ़िया बिल्कुल खुश जैसे बाज़ार में हलवाई बनाते हैं दालमोठ बिल्कुल वैसी ही होगी, वैसे लच्छे होंगे और खुश्क होंगे, खाने में बहुत स्वाद आएगा। तो हल्का सा गुनगुना पानी लेकर और उसमें बस सारे लच्छे डाल दीजिए और देखिए थोड़ा सा मुलायम भी हो जाता है ये, और बस 1 मिनट के बाद इसे आप निकाल लीजिए। देखिए एक डलैया की में जो छन्नी वाली होती है उसमें मैंने निकाल लिया और बिल्कुल आप देख रहे हैं कितना साफ चिप्स है। एक कपड़ा हम लेंगे और उसे फैला लेंगे और उसमें सारे चिप्स डालकर हम इन्हें हल्का हल्का पोंछ देंगे पानी इसका जो होगा ना। अब पानी पोंछ देंगे तो बिल्कुल भी मुलायम नहीं होगा और बिल्कुल टाइट टाइट मतलब कुरकुरा रहेगा ये चिप्स सॉरी ये लच्छे आपके कुरकुरे रहेंगे जब आप इसका पानी बिल्कुल नमी नहीं इसमें होनी चाहिए। इसे हल्का हल्के हाथों से इसका पानी बिल्कुल सुखा देना, जैसे मैं कि हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा आप कर देंगे ना तो ये जो इसके लच्छे हैं टूट जाएंगे, इसलिए आपको हल्के हल्के हाथों से इसको करना है। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से हल्का हल्का मसल मसल के इसको इसका पानी बिल्कुल सुखा। देखिए मैं पास से आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, उसमें डाल देंगे रिफाइंड और खूब गर्म हो जाने देंगे तेल को। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक लच्छा डाल के देखेंगे, अगर वो तुरंत ऊपर आ जाएगा तो समझिए तेल बिल्कुल रेडी है। ये देखिए तेल हमारा हो चुका है, अब हम इसमें अपने आलू के लच्छे डालेंगे। लेकिन डालने के बाद 1 सेकंड बाद हम गैस को मीडियम कर देंगे और ताकि इसको हल्की हल्की मतलब थोड़ी धीमी आँच पर पकाएंगे ना तो फिर मुलायम नहीं पड़ते हैं। आप तेज़ आँच पर पका लेंगे ना तो फिर ये जब आप निकाल कर बाहर रखेंगे तो ये मुलायम हो जाते हैं, तो इसे आप हल्की मीडियम आँच पर पकाना है। देखिए हमारे लच्छे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इन्हें हम कलछी की सहायता से बाहर निकाल लेंगे और थाली में फैला के रख देंगे ताकि ये बिल्कुल कड़क रहें और मुलायम ना हो। तो इन्हें हम फैला के रख देंगे एक थाली में और इसी तरह हम सारे लच्छों को तल लेंगे। ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगी आपको, बार बार नई वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है फिर आप सही नहीं रहता है, ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है, इसमें शॉर्ट थोड़ा कम ही दिखा रही हूँ आपको इसीलिए। तो इसी तरह हम सारे लच्छे तल लेंगे और एक थाली में फैला के रख देंगे। उसके बाद मैं अभी कुछ चीज़ें इसमें और डालूँगी, तो जैसे कि मैं इसमें डालूँगी काजू, तो पहले काजू को तल लेंगे। एक छोटी कटोरी में मैंने काजू 2 पीस करके रख लिए थे, काट के 15-20 काजू होंगे जिनको मैंने डबल काट लिया है, अभी इससे तो ज़्यादा लग रहे हैं आपको देखने में। इन्हें मैं हल्का हल्का तल लूँगी देखिए, और बहुत अच्छी लगती है दालमोठ, घर पर बनाकर ही खाइए व्रत में महाशिवरात्रि को। तो शिवरात्रि के लिए ही मैं आपको ये विशेष बता रही हूँ। और उसके बाद एक छोटी सी कटोरी में जितने मैंने बादाम लिए थे उतने ही मैंने कटोरी से
ना आपके मूँगफली के दाने लिए हैं, वो भी मैंने तल लिए हैं। अब थोड़े से बादाम, 10-15 बादाम भी तल के हम रख लेंगे। ये सब तल के जब रख लेंगे तब हम उसमें, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी, इतनी चटपटी स्वादिष्ट ये दाल मूट बनती है कि आप हर व्रत में यही दाल मूट बनाएंगे। तो देखिए मैं अभी आपको सबसे पहले इसका मसाला बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसमें डालूंगी क्या। तो मसाला देख लीजिए, कटोरी ले लेंगे, थोड़ा धनिया पाउडर और उसमें डालेंगे धनिया पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और उसके बाद दरदरी धनिया पाउडर, दरदरा करके मैं दो तरह की धनिया डालती हूँ, और फरारी नमक एक बारीक पीसी, एक दरदरी थोड़ी सी पीसी, उसका स्वाद अलग होता है। भून के सब मसाले पीसे हैं मैंने। उसके बाद एक चम्मच मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास हो जरूर डालिएगा। 1 से 1.5 चम्मच खटाई डालूंगी पीसी हुई और इन सबको हम मिला लेंगे। काला नमक नहीं डालेंगे क्योंकि काला नमक हमारे यहाँ व्रत में नहीं खाया जाता है, मेरे यहाँ फरारी नमक ही खाया जाता है। अगर आपके यहाँ काला नमक खाया जाता हो तो आधा चम्मच आप काला नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मसाला ही उसमें मिला दीजिए। आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसको मिलाइएगा मसाला, ज़्यादा मिलाएंगे तो नमक तेज़ हो सकता है। तो मैंने बना लिया है मसाला लेकिन मैं पूरा मिलाऊंगी नहीं। अब हम सभी को पहले मिक्स, आपको देखिए सेव दिखाऊंगी कितने खुश्क बने हैं और बिल्कुल कुरकुरे हैं, हाथ से आप प्रेस करेंगे बिल्कुल टूट जा रहे हैं। तो हम इसमें 2 चम्मच मसाला इसका मिला देंगे, देखिए। और ये इतना चटपटा मसाला, आप एक बार बना कर देखिएगा, बहुत बढ़िया मसाला बनता है। घर में आप पता है चाट मसाला बिल्कुल भूल जाएंगे जब इस ये मसाला बनाएंगे। और हमारी दाल मूट बिल्कुल रेडी हो चुकी है व्रत में खाने के लिए, तो आप भी बनाइए महाशिवरात्रि को, इसको बनाइए चाय के साथ, इसे खाइए और अपने रिश्तेदारों को खिलाइए, तारीफें लूटिए। और अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आइए संभल कर खाते हैं।